हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप एक ऐसा बिजनेस तलाश रहे हैं जो आपको लाइफ टाइम तक रहे आपका, और आपको पैसा भी दे, और आपका जो समाज में है उस आपको इज्जत की नज़र से भी देखा जाए, तो मैं आज एक ऐसे बिजनेस को आपके सामने लाया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन बिजनेस की। एजुकेशन सेक्टर जो है इंडिया में आज की डेट में टॉप पर है, क्योंकि अभी बहुत ही मोस्टली इलाकों में स्टेट में अभी एजुकेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, और ये आपका बढ़ता ही रहेगा, ये कम भी कम नहीं होगा। तो ये हम एजुकेशन सेक्टर को कह सकते हैं कि ये ग्रोथ करता ही रहेगा, और इसमें अगर आप अपना बिजनेस इससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, और ये आगे बढ़ता रहेगा, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो अप डाउन होते रहते हैं और कभी ख़त्म भी हो जाते हैं कुछ बिजनेस, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रहती है, चीज़ें आती रहती हैं, उस हिसाब से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मगर एजुकेशन जो है वो आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी, बट आपको उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और दूसरे दूसरे जो जिसने ये खोल रखा है वो आपका आगे हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज, अगर आप एक कोचिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर एक आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको कोचिंग के लिए, अगर आप कोचिंग खोलना चाहते हैं तो कोचिंग आप कंपटीशन क्लासेस की खोल सकते हैं, और अगर कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं तो कंप्यूटर सेंटर भी खोल सकते हैं। अब आपका क्या रहता है इसमें कि अगर आप खुद पढ़ाना चाहते हैं, अगर मगर आपको ये दोनों कंडीशन में, अगर या सेंटर खोलिए या फिर आप कंपटीशन क्लास खोलिए, दोनों सूरत में आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कंपटीशन क्लास की बात कर लेते हैं तो कंपटीशन क्लास में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिलेबस क्या क्या रहता है और कौन कौन से आपके कंपटीशन की कोचिंग ऑलरेडी चल रही हैं और उनमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी आप उस बिजनेस को कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं इसको सक्सेस की ओर ले जा पाएंगे। ऐसे ही आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर होंगे तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में क्या नॉलेज चल रही है और मार्केट में कौन सी डिमांड में कोर्स चल रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों सूरत में आपको स्किल्स आपके पास होना चाहिए तभी आप इस बिजनेस को कर पाने में सक्षम हों।